नहीं चली तो हम सही नहीं चले, अगर सही नहीं चली तो हम हाय 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 यूथ बिहार यूथ कांग्रेस सड़कों पे उतर चुकी है। इनकम टैक्स चौराहे के पास कई लोग कई कार्यकर्ता मौजूद हैं और मोदी सरकार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका सीधा कहना है कि राहुल गांधी को जिस तरह से प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है, ये मोदी सरकार करना बंद करे। चूंकि 2 साल पुराना मामला है, उस मामले को उजागर करके मोदी सरकार राहुल गांधी पे आरोप तय कर रही है, ऐसा कहना है यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का। कुछ लोग हमारे बीच है, बड़े नेता है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों आज सड़कों पर उतरी है यूथ कांग्रेस, क्यों उतरी है सड़कों पर। देखिए, बात आज राहुल गांधी की ही नहीं है, बात आज पूरे देश के आम आवाम की है। आज इस देश की जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। जो सरकार के विरोध में खड़ा है आज उस पर CBED से प्रस्थान किया जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी को जिस प्रकार बार बार केंद्र के ये तानाशाह सरकार के द्वारा प्रस्थान किया जा रहा है, ED के द्वारा, CBI के द्वारा, जब सब में नीट एंड क्लीन साफ सुथरा हो गए, तो एक पुराने मामले में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को परेशान किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग आज पूरे देश के कांग्रेसी जो आक्रोश में है सड़कों पर है। और हम लोग ये विरोध प्रदर्शन तब तक चालू रहेगा जब तक देश इस देश की सरकार लोकतंत्र की रक्षा करने में जब तक अपने आप को स्थापित नहीं कर लेगी। हम लोग कांग्रेस पार्टी के वर्कर है, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर इस संविधान के मानने वाले लोग हैं और हम लोग इसी वजह से आज सड़क पर है। कोर्ट अपना काम कर रही है सर, तो ऐसे में क्यों आप मोदी सरकार को दोषी दे रहे हैं? कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन मोदी सरकार के जो कोर्ट भी जो है मोदी सरकार का अधीनस्थ हो गया आज के समय में, और मोदी सरकार के सारे पर काम कर रहा है। मनीष चौबे, प्रदेश प्रवक्ता। तो ये थे हमारे साथ मनीष चौबे, प्रदेश प्रवक्ता, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है नरेंद्र मोदी के द्वारा। जैसा कि उन्होंने बताया कि अब सड़कों पे पूरे देश के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरी है और मोदी सरकार की नीतियों को, मोदी सरकार के कामों को विरोध कर रहे। जिस तरह से हमारे बड़े नेता राहुल गांधी जी को, पीछे मत जाओ, आ गया हूं ना, राहुल गांधी जी को परेशान करने का काम किया जा रहा है, पुराने मामले को लेकर उजागर किया जा रहा है, तो ऐसे में हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे सड़क से सदन तक भी हम लोग मार्च करने का काम करेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं अमित खत्री, शौर भारत न्यूज, पटना। जबरदस्ती राहुल गांधी को फंसाने की साजिश कोशिश किया जा रहा है BJP गवर्नमेंट के तरफ से, और नरेंद्र मोदी के का कोई मुद्दा तो है नहीं, सिर्फ एक मुद्दा है किसी तरह से कांग्रेस को और कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने का। जो फिर केस कहीं किसी दूसरे कोर्ट में था, उस कोर्ट को कन्वर्ट करा के गुजरात ले गए, गुजरात से वहाँ जजमेंट करवा कर राहुल गांधी को दोषी करार किया गया है। ये बिल्कुल ही लोकतंत्र पर एक हमला है और अपोजिशन को दबाना चाहते हैं ताकि कोई भी अपोजिशन किसी भी दल का हो कहीं से भी अपना आवाज़ को बुलंद नहीं कर सके। नरेंद्र मोदी अपने मनमानी करते रहे, नरेंद्र मोदी की सरकार दो हम दो हम हमारे दो का है, वो हर हालात में अडानी और अंबानी को बचाना चाहते हैं, यही उनका एक उद्देश्य है। भारत की जनता का विकास करने में कराने में उनका कोई दिलचस्पी नहीं, मकसद नहीं, तो मिला जुला कर सभी। तो ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।